सो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हुआ है क्रैश गार्ड, साथ ही आप बाइक के अदर मॉडिफिकेशंस को भी यहाँ पर लुकआउट कर सकते हैं। बाइक के लुक को काफी ज्यादा प्रीमियम और यहाँ पर अपनी बाइक को काफी ज्यादा हैवी बनाते हैं। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे अनबॉक्सिंग लेके आए हैं क्रैश गार्ड की, जो कि हस्क्वर्ना का दोस्तों क्रैश गार्ड है। ये आप KTM वगैरह के अंदर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए तो चलिए मैं सबसे पहले प्रोडक्ट बाहर निकालता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके के ये प्रोडक्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ के क्लैंप्स होंगे, जो इनकी बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है। मैं ऑब्वियसली आपको वेट चेक करके दिखाऊंगा, क्योंकि हाथ में लेने पर बिल्कुल भी आपको नहीं पता चलेगा। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनके ये आगे के स्पूल्स मिलेंगे। उसके बाद मैं आपको और दिखाना चाहूँ, हमने यहाँ पर ऑल कलर ऑप्शंस दोस्तों यहाँ पर बाई किए हुए हैं, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कलर जो ऑफर होता है हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके का रेड कलर ऑफर होता है। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर ब्लू कलर के अंदर इसको बाई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो क्लैंप्स हैं, आप इजीली अपने कलर चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको बाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको भी बाहर निकालता हूँ। तो यहाँ पर ये जो कलर होने वाला है दोस्तों, गोल्ड कलर होने वाला है, जो कि पर्सनली मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की इसकी बिल्ड क्वालिटी होने वाला है। पीछे की तरफ यहाँ पर ब्रांडिंग हो रखी है। इंस्टॉलेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पीछे की तरफ जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 200 नट मिलेगा, उससे आप यहाँ पर इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो चलिए इन सभी को मैं साइड कर देता हूँ। पहले मैंने आपको कलर ऑप्शंस दिखा दिए, अब मैं प्रोडक्ट की यहाँ पर बात करता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों ही तरफ के क्रैश गार्ड्स हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले इनको बाहर निकालता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कुछ इस तरीके का हमारा जो बॉडी के ऊपर माउंट होने वाला क्रैश गार्ड है। तो यहाँ पर एक KTM वगैरह के अंदर भी माउंट हो जाता है। तो उससे पहले मैं आगे बात करूँ, मैं आपको प्रोडक्ट का वेट करके दिखा देता हूँ, ताकि आप इसकी बिल्ड क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर सकें। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो विंग मशीन का जो वेट अभी 0 पे है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको हैंग करता हूँ। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसका वेट है तकरीबन 700 ग्राम है। तो यहाँ पर हमारे पास दोस्तों दो क्लैंप्स मिलेंगे, तो ये दोनों ही तरफ हमारी बाइक के अंदर इंस्टॉल होंगे। तो कुल मिला के जो इनका वेट है दोस्तों, 1 kg and 500 ग्राम के अप्रॉक्स होने वाला है, सिर्फ हमारी जो ये क्रैश गार्ड प्लेट्स का है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर दोस्तों जो हमारे क्लैंप्स हैं, तो ये जो साइड वाले स्पूल्स हैं, इनका भी मैं आपको वेट करके दिखा देता हूँ, ताकि इनका भी आप दोस्तों देख सकें कि जो इनका वेट है वो कितना है और इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको अभी 0 कर दिया है, अगर कैमरा इसको आइडेंटिफाई कर रहा है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इसको वेट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो इसका वेट है तकरीबन दोस्तों 300 ग्राम के अप्रॉक्स है, यानी दोनों ही जो हमारे स्पूल्स का वेट होने वाला है 600 ग्राम के अप्रॉक्स होने वाला है। तो 600 ग्राम इनका वेट रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोनों ही स्पूल्स लगने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट का वेट होने वाला है, यानी कि हमारा जो कंप्लीट क्रैश गार्ड माउंट होने वाला है, उसका वेट होने वाला है 2 kg। तो यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो आप इस चीज़ को इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्रैश गार्ड जो है कितना ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने वाला है हमारी बाइक के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर माउंट होगा, इस तरीके से आप यहाँ पर नट्स से इसको फिक्स कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी बाइक के अंदर इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। आप KTM के अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, हस्क्वर्ना के अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म सेम ही है दोस्तों। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप ये प्रोडक्ट बाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर PGX से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनका इंस्टाग्राम हैंडल है, तो आप जाइए दोस्तों और यहाँ पर इसको बाई करिए। उसके बाद एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँ दोस्तों, यहाँ पर जो इसका प्राइस है, 2000 के अप्रॉक्स इसका प्राइस है, शिपिंग चार्जेस एक्सक्लूड होंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, अपनी बाइक के अंदर इसको इंस्टॉल करते हैं, आइए। सो ये है हमारी हस्क्वर्ना स्वाटप्रिन 250। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम जो क्रैश गार्ड उसको कहाँ पर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो जैसा कि आप पीछे की तरफ देख पा रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों जो दो पाइप्स हैं उनके ऊपर इंस्टॉल होने वाला है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों का सेम ही होगा। सो चलिए मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक क्रैश गार्ड माउंट होगा। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी स्टडी तरीके से ये बिल्कुल माउंट हुआ है। अभी जो दोस्तों इसका हम जो फ्रेम स्लाइडर है वो यहाँ पर इंस्टॉल करवा देंगे। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा फोक स्लाइडर है, तो ये कुछ इस तरीके से इंस्टॉल होकर और यहाँ पर ये इंस्टॉल होगा। पहले मैं दोनों ही तरफ से दोस्तों यहाँ पर इंस्टॉल करवा देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर प्रॉपर कैसे इसकी फिटिंग आने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्रैश गार्ड माउंट होने वाला है। यहाँ पर ये दोस्तों आगे और पीछे की तरफ जो क्लैंप आते हैं, उन दोनों के ऊपर इजीली माउंट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ खास ऐसा था नहीं, इसलिए मैंने आपको कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं दिखाई है। डायरेक्टली आपको सिर्फ करना क्या है, यहाँ पर जो पाइप्स आते हैं उन्हें नट्स में इनको माउंट करना है। स्मॉल वाले जो क्लैंप होंगे वो पीछे की तरफ लगेंगे, और जो लार्ज क्लैंप होंगे दोस्तों आगे की तरफ लगेंगे, क्योंकि आगे वाला जो पाइप है वो लार्ज है और पीछे वाला जो पाइप है वो स्मॉल है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा फोकस करता हूँ। तो ये देखिए आगे वाला जो पाइप है वो लार्ज है और पीछे वाला जो पाइप है वो स्मॉल है। तो उसी के साथ यहाँ पर आप इसको श्रिंक करते हुए यहाँ पर फिट करवा दीजिएगा। कलर ऑप्शंस यहाँ पर आप ले ही सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलिए मैं आपको दूसरी तरफ भी लेके चलता हूँ कि दूसरी तरफ आपको ये किस तरीके से फिट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्लैंप्स की पोजीशंस आने वाली है। वही आगे की तरफ जो होगा दोस्तों लार्ज होगा, और पीछे की तरफ होगा वो स्मॉल पाइप होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना आउट है आपकी बाइक से। तो अगर यहाँ पर कोई भी क्रैश इंपैक्ट आता है तो कम्प्लीटली जो क्रैश इंपैक्ट अपने ऊपर ले लेगा, और आपकी बाइक है उसकी जो फायरिंग है दोस्तों
डैमेज नहीं होगी। यहाँ पर आप इसकी स्टडीनेस को देख सकते हैं दोस्तों, मैं पूरी बाइक को हिला रहा हूँ इसके थ्रू, तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी कोई लैग नहीं कर रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। एक चीज़ और दोस्तों, आपको यहाँ पर इसको स्प्रे कर लेना है क्योंकि ड्यू की जो ड्रॉप्स होती है उसकी वजह से यहाँ पर रस्ट आ जाता है, तो यहाँ पर आप उसको स्प्रे कर लीजिएगा। साथ ही आगे की तरफ आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर प्लेट कुछ इस तरीके से यहाँ पर माउंट हुआ है, कुछ माइनर ऑल्ट्रेशन करनी पड़ी, ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से ये ऑल्ट्रेशन होंगी, उसके साथ ही यहाँ पर ईजिली माउंट हो जाएगा। आगे वाला जो माउंटर आता था प्लास्टिक का वो इतना अच्छा नहीं था, दैट्स वाई हमने यहाँ पर इसका जो क्लैंप है नीचे की तरफ लगाया। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी स्टडी है और यहाँ पर इसकी जो फिटिंग है दोस्तों वो भी काफ़ी प्यारी आ रही है, ये देखिए। साथ ही आपको इसके अदर मॉडिफिकेशन की तरफ मैं लेके चलूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सिमटेक का 1000 फ्लैशर माउंट किया है, जो कि जो स्टोक हमारा स्विच आता है दोस्तों इंडिकेटर वाला, उसी से माउंट होकर ये वर्क करता है। यहाँ पर आप इसको लेफ्ट राइट और सेंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, यहीं से आप इसके पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट करके, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ होने वाली है दोस्तों। साथ ही मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ बार एंड मिरर, तो ये हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया है बार एंड मिरर, जो कि काफ़ी अच्छे लुकिंग के अंदर है। साथ ही हम यहाँ पर दिखाना चाहें आपको सिमटेक का मोबाइल चार्जर जो कि 3.0 के साथ है, ये भी हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया है। आगे की तरफ मैं आपको लेके चलूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर रेडिएटर ग्रिल को भी इंस्टॉल किया है, जो कि नियॉन कलर के अंदर है, जो कि बाइक के लुक को काफ़ी ज़्यादा हैवी कर देती है। साथ ही मैं आपको पीछे की तरफ यहाँ पर लेके चलूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों हमने टेल लाइट 1000 फ्लैशर भी इंस्टॉल किया है, ये भी बाइक के लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करता है। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इसको अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल करना है। सो ये थी इंस्टॉलेशन दोस्तों हमारे प्रोडक्ट की, आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे आपको इसको अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल करना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है एज यूजुअल, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली वहाँ जाकर रिप्लाई करूँगा। सो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, हम काफ़ी अच्छी अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन दिखाते रहते हैं अपने वीडियोस के अंदर। सो मिलते हैं कुछ ऐसे ही अनबॉक्सिंग एंड इंस्टॉलेशन के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू।